एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका स्वागत है। आज मैं डाब नींबू की चटनी बना रही हूँ। इसके लिए डाब नींबू ले, इसे अच्छे से छील ले, इसके बीज निकाल ले और ये इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा पल्प इसका। अब इमली ले, इसे पानी में भिंगो दे कुछ देर के लिए। सौंठ पाउडर, खजूर बीज निकाले हुए, काला नमक, मक्स मेलन सीड्स, ऐसे खजूर के सारे बीज निकाल लें, ऐसे कटिंग कर लें। चीनी, राई, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें राई डाल दें। राई डाल के ऊपर से ये डाब डाल दें। डाब डाल के इसमें चीनी डालें, इसे अच्छे से फ्राई कर ले कुछ देर के लिए। डाब नींबू को भी अच्छे से फ्राई कर ले। ये चटनी आपने कभी नहीं खाई होगी, ये खाने में बहुत टेस्टी है। एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें बना के। इसमें थोड़ी सी पानी डाल दें और इसमें खजूर डाल दें बीज निकाले हुए, और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें हल्दी पाउडर थोड़ी सी, कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी, आप इसमें तीखी मिर्च भी दे सकते हैं थोड़ी सी, मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाली है। इसमें काला नमक थोड़ा सा, मस्क मेलन सीड्स आधा चम्मच, सौंठ पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करें। इसे चलाते रहना है कुछ देर के लिए। अब इसमें हल्का सा सादा नमक, नमक थोड़ा ही देना है खट्टे मीठे टेस्ट के लिए। अब इमली का पल्प डालें, अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें और इसे ढक के 10 मिनट के लिए इसे पकने दें। ये चटनी अब रेडी हो गई। ये खाने में बहुत यमी है। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी है।